अस्सलाम वालेकुम जी, हम पहुंच चुके हैं बाशु वैली। अस्सलाम वालेकुम, आज है डे 4 और आज तारीख है 13 जून 2023 और हम इस वक्त साकर्दू में मौजूद हैं। तो ये है वो साकर्दू का होटल जहाँ पर हमने रात स्टे किया। आइए आपको ना अपना रूम दिखाते हैं। अभी हम थोड़ी देर में नाश्ता करने वाले हैं वहाँ पर और उसके बाद हम जाएंगे बाशु वैली। तो जनाब ये है हमारा रूम कॉटेज। सबसे पहले आपको नबील भाई से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, ये देखें अलहाज गिलानी साहब। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी नदीम साहब, यूं कोई बेवफा नहीं हुआ करता। आप कहाँ की बातें करते हैं, समझ नहीं आती मुझे। ये देखें जनाब, जैसे हम एंटर होते हैं अपने रूम में तो यहाँ पर वाशरूम है, सर वाशरूम भी आपको दिखा देते हैं। सही है, बुरा भी नहीं है, साफ सुथरा है। पानी बहुत ठंडा आ रहा है लेकिन उसके लिए उन्होंने हमें यहाँ पर इंस्टेंट गीज़र दिया हुआ है। अब बहुत गर्म पानी आ रहा है तो मिक्स करना पड़ रहा है। तो ये है हमारा रूम, ये देखें ये डबल बेड था, यहाँ पर सिंगल मैं सोया हूँ। गिलानी साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोरिंग करते हैं, खराटे मारते हैं वहाँ पर और सोते हुए बातें भी करते हैं, पता नहीं कुछ बोलते रहते हैं। हम झूठों के नाने हैं। तो वो ग्लैंस साहब को हमने वहाँ पर शिफ्ट किया। अच्छा जी, ये हमारे पास दूसरा रूम है, यहाँ पर मूजी वेंचर्स के सीईओ मौजम इकबाल साहब स्टे कर रहे हैं और यहाँ पर वो स्टे कर रहे हैं। अच्छा जी देखें, पूरा कमरा इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, साथ इनके साथ ये अटैच वाशरूम है। इसकी स्टोरी ये है कि सर जो है ना तन्हाई पसंद है, इनको ना तन्हाई पसंद है, जिसकी वजह से ना ये अकेला अकेला रहना चाहते हैं, इसलिए हमने इनको अलग रूम दिया हुआ है। असल में इसकी स्टोरी ये है कि आप लोग खराटे पसंद नहीं करते, इसलिए इतना बड़ा। चले जी, मौसम साहब ने खुद ही बता दिया, ये खराटे बहुत तेज लेते हैं, ऐसे लेते हैं जैसे वो खैबर मेल नहीं चल रही होती। वो पुराना इंजन ठेक बाबा ठक बाबा ठक बाबा ठक बाबा वो वाला था और स्टार्ट भी 2 मिनट में हो जाता है, तो इसी वजह से ना मौसम सब अकेले रहते हैं। और यहाँ पर देखें कितना प्यारा व्यू है, यहाँ से वाटर आ रहा है। अच्छा जी, अभी हम साकर्दू व्यू पॉइंट पे हैं, बड़ा खूबसूरत होटल है ये, यहाँ पे हट्स बने हुए हैं, अभी आपको दिखाया होगा नदीम साहब ने। तो यहाँ पे हमारी रिहाई थी, एक हट में 2 कमरे और बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे सेटिंग की हुई है। बाकी अभी हम बाशु वैली जा रहे हैं, बाशु वैली से वापसी पे भी दोबारा हमारा यहाँ पे स्टे, फुली रिकमेंडेड फॉर फैमिली फॉर फ्रेंड, एवरी टाइप ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आके ठहर सकते हैं। खासतौर पे फैमिली के लिए बड़ा अच्छा ये एक रिकमेंडेड रिजॉर्ट है, ज़रूर आएँ, बहुत खूबसूरत जगह है। ये है हमारी 4x4, आपको विज़िट कराते हैं जी, दिखाते हैं। बाशु वैली भी विज़िट कराएंगे अभी आपको थोड़ी देर में। और जनाब ये है साकर्दू व्यू पॉइंट होटल जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है।
अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं एंट्रेंस पॉइंट बाशु वैली। आप देख सकते हैं ये सस्पेंडेड ब्रिज है माशाल्लाह। अच्छा जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाशु वैली और यहाँ पर सीन कुछ ऐसे हैं। ये हमारा गैंग आ रहा है, ये देखें माशाल्लाह से, एक दो तीन चार पाँच छः और वो भी सात। जो सस्पेंशन ब्रिज है वहाँ से बाशु वैली पहुँचते हुए तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम लगता है। बाशु वैली पहुँचने के बाद हम बाशु वैली में कुछ इस तरीके से इंजॉय कर रहे थे और बाकी लोग कुछ इस तरीके से इंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं बाशु वैली से सीधा स्कर्दू सिटी। आज का दिन जो बाशु वैली में गुजरना था, एंजॉय करना था, वो हमने कर लिया। अभी हम बाशु से स्कर्दू की तरफ जा रहे हैं और आगे ये गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। ये देखें, ये लाइन लगी हुई है। हाँ भाई, ये तार टूट गई थी, इन्होंने तार बना ली है। अब गाड़ी थोड़ी देर में ही स्टार्ट हो जाएगी, तो हम यहाँ से चल पड़ेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह हम बाशू वैली घूम फिर के हम वापस आ चुके हैं अपने होटल।